नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज बात भारत के एक ऐसे बल्लेबाज की जो इस समय आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर एक पर है, लेकिन इन दिनों वह खराब फॉर्म से भी जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। वही सूर्य कुमार यादव जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों के हाथ पैर कांपा करते थे, वही सूर्य कुमार अब लगातार फ्लॉप भी हो रहे हैं। जहां अरहोर अब एक ही सवाल है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी उनका बल्ला पूरी तरह से शांत रहा और वे अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इनकी पिछली 7 पारियों पर हम अगर नजर डालें तो ये चौथी बार था जब वे शून्य पर यानी बिना खाता खोले आउट हो गए। जहां इससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में अपना खाता खोले बगैर गोल्डन डक पर आउट हुए थे। वनडे सीरीज के बाद जब उन्होंने आईपीएल की शुरुआत की तो लगता था जैसे अब वे अपने बुरे दौर से बाहर निकल जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ उन्होंने 15 रन भी बनाए, लेकिन इसकी अगली पारी में वे फिर से अपने घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीएसके के खिलाफ बैटिंग पर उतरे तो सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। मंगलवार को उनके पास दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी फॉर्म साबित करने का एक बेहतरीन चांस था। यहां मुंबई को अंतिम 4.1 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 33 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार तिलक वर्मा के आउट होने के बाद स्ट्राइक पर आए और आते ही उन्होंने फाइन लेग पर बड़ा छक्का डंडने का एक प्रयास किया और वहां खड़े कुलदीप यादव ने आसान सा कैच लपकने में कोई भी गलती नहीं की। नतीजा, सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार ने आईपीएल के 3 मुकाबलों में अभी तक सिर्फ 16 रन ही बनाए हैं, जहां अब सोशल मीडिया पर फैंस भी उनको लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उनको लेकर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। वहीं उम्मीद यही करते हैं कि सूर्य कुमार जल्दी अपनी फॉर्म में लौटेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस को इस सीजन में उनकी वापसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और इंतज़ार भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।